नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। और अब वक्त हो गया खबरें फटाफट का। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भगवान विष्णु की बेशकीमती मूर्ति बरामद हुई है, जहां अष्टधान की ये मूर्ति राजस्थान में चोरी की गई थी। नौसेना प्रमुख ने लॉन्च किया स्वदेशी ड्रोन, पाक चीन के खतरे से निमटने के लिए इसमें है काफी खूबियां। दिल्ली में इंसानियत हुई शर्मसार, युवक पर नाबालिगों ने चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, फिर शव को घसीटकर मचाया तांडव। चारमीनार एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से उतरी, नागपल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा, 6 लोग हुए घायल। हत्या से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को राहत, हाईकोर्ट का बरी करने का फैसला है बरकरार। आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना के साथ वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। राशन घोटाले मामले में बंगाल के राज्यपाल का गृह सचिव को डीजीपी के साथ बैठक, अधिकारियों से मांगी गई जानकारी। हिंदी सीखने के लिए दबाव नहीं बनाया जा रहा, अभिनेता विजय सेतुपति के बयान पर अन्नामलाई का पलटवार। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप की तैयारी में पार्टी, जेसीसीजे का भाजपा में होगा विलय। गाजा में मानव क्षति अस्वीकार, युद्ध रोकने के लिए बातचीत ही रास्ता, यूएनजीए में बोला भारत। डॉक्टर के लिखावट से परेशान उड़ीसा हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताते हुए बड़े कैपिटल अक्षरों में लिखने के हुक्म दिए हैं। ईडी के कार्यवाहक प्रमुख राहुल नवीन के साथ 10 अन्य अफसर पदोन्नत, निभाएंगे विशेष निदेशक की जिम्मेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन, करेंगे 34 देश और 16 संगठन होंगे शामिल। बिल्किस बानो केस के दोषी पुलिस के संपर्क में नहीं, गुजरात पुलिस ने उनके सरेंडर पर कही ये बात। अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर साधा निशाना, कहा उनकी ओर देख भी नहीं रहे लोग। सीआईएसएफ के 150 कमांडो करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट की सुरक्षा, गृह मंत्रालय निधि मंजूरी। चीन को की समुदाय का एसटी दर्जा खत्म करने की तैयारी, सीएन बिरेन ने कहा समिति का गठन किया जाएगा। भाजपा महासचिवों के साथ जेपी नड्डा ने की बैठक, राम मंदिर और लोकसभा चुनावों की तैयारियों पर हुई अहम चर्चा। अक्षय ने किया बड़े मियां छोटे मियां के रिलीज डेट का खुलासा, टाइगर के साथ साझा की फोटो। हापुड़ में 950 केजी देसी घी अयोध्या के लिए रवाना, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा पूजा में होगा इस्तेमाल। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।